बिजड़ा छक्का कहकर तुम मुझे बुलाते हो। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। किन्नर कैसे जन्म लेते हैं? किन्नर एक ऐसा शब्द जिसके बारे में सुनकर ही हम दूर भागते हैं। समाज में नीचे दर्जे मिलने वाले इस तीसरे लिंग को हर कोई गाली देता है। कोई इन्हें हिंजड़ा कहकर बुलाता है तो कोई छक्का, लेकिन कभी ये कोई जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर ये इस तरह क्यों बने। क्यों किन्नर ना ही लड़की होते हैं ना लड़का, आखिर एक स्त्री के गर्भ से किसी किन्नर का जन्म कैसे होता है? क्योंकि किन्नरों की माँ यानी जो इन्हें जन्म देती है वो तो किन्नर नहीं होती, अगर होती तो वो जन्म कैसे दे पाती? तो फिर ऐसा क्या होता है माँ के गर्भ में कि बच्चा किन्नर निकल आता है? आज के इस वीडियो में आपका दोस्त विशाल प्रजापति इन सारे सवालों के जवाब लेकर आया है और आपसे वादा करने वाला है कि इस वीडियो के अंत तक अगर आप रुके रहे तो आपको किन्नरों के साथ साथ महिलाओं के गर्भ में पलने वाली बच्चों से जुड़ी ऐसी बहुत सी जानकारियां मिलेंगी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब पुरुषों के लाखों करोड़ों शुक्राणु महिलाओं के शरीर के अंदर जाते हैं तो उनमें से हर एक का मकसद महिला के अंडे से फर्टिलाइज होना होता है। और जैसे ही कोई शुक्राणु अंडे के साथ मिलकर फर्टिलाइज हो जाता है वैसे एक नए जीवन की शुरुआत होने लगती है। और शुक्राणु और अंडे के अंदर मौजूद जो क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र होते हैं वो आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो दोस्तों इंसानों के अंदर की सारी विशेषताएं उसके क्रोमोसोम्स में होती है, जैसे कि उसका रंग कैसा है, उसकी कदकाठी कैसी है, उसका दिमाग कैसा है वगैरह वगैरह। कम शब्दों में कहें तो इंसान किस प्रकार का है उसका जो ब्लूप्रिंट होता है वो क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है। हर प्राणी और पक्षी के क्रोमोसोम की संख्या कम और ज्यादा होती है। मनुष्य के अंदर क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं, यानी कुल 46 क्रोमोसोम्स हमारे अंदर मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स के इन 23 जोड़ों में से 22 जोड़ों को ऑटोसोम्स कहा जाता है और जो बचा हुआ एक क्रोमोसोम का जोड़ा होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम के तौर पर जाना जाता है। और इसी सेक्स क्रोमोसोम से ही गर्भ में बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है कि बच्चा लड़की के रूप में जन्म ले गया लड़के के रूप में। पुरुषों का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है यानी जो आखिरी जोड़ा होता है वो XY का होता है और महिलाओं में क्रोमोसोम्स का जो आखिरी जोड़ा होता है वो XX का होता है। संभोग के बाद स्त्री के अंडाणु के साथ पुरुषों के एक शुक्राणु से फर्टिलाइजेशन होता है। उस समय पुरुष का एक क्रोमोसोम X महिला के X क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो लड़की का जन्म होता है और अगर पुरुष का Y क्रोमोसोम महिला के X क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में महिला का जो क्रोमोसोम होता है वो दोनों ही रूप में X होता है। यहाँ बदलाव पुरुष के क्रोमोसोम में होता है, इसलिए बच्चा लड़का होगा या लड़की ये महिलाओं पर नहीं बल्कि पुरुषों पर निर्भर करता है। इसमें महिला की कोई भी गलती नहीं है। अब लड़की और लड़के का जन्म कैसे होता है ये तो आप समझ गए, पर सवाल ये आता है कि हिजड़े का जन्म किस तरह होता है? तो दोस्तों सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम के अनुसार नपुंसक लिंग थर्ड जेंडर के लिए जो क्रोमोसोम जिम्मेदार होते हैं वो है XXX, YY और OX। XXX क्रोमोसोम वाली लड़की किन्नर पैदा होती है। कहा जाता है इस तरह के क्रोमोसोम्स वाले किन्नर स्त्रियों के साथ रहना पसंद करते हैं और पुरुषों के प्रति आकर्षित होते हैं। उनके सभी व्यवहार लड़कियों जैसे होते हैं और उन्हें पहचानना बड़ा कठिन होता है। शुरुआत के 13 साल तक तो ये पता ही नहीं चलता कि ये लड़की है ये किन्नर, लेकिन जब शरीर में बदलाव होने लगता है तो योनि का विकास नहीं होता और ना ही उन्हें पीरियड्स आते हैं। कई बार तो कुछ किन्नर अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं और शादी करके घर भी बसा लेते हैं, लेकिन अंत में उनका सच उजागर हो ही जाता है क्योंकि वो कभी मां नहीं बन पाते। YY क्रोमोसोम्स वाला बच्चा लड़का किन्नर पैदा होता है, वो पुरुषों में रहना पसंद करता है लेकिन उसमें लड़कियों जैसे गुण भी होते हैं। पुरुष किन्नर होने का पता आयु के 13 साल के बाद ही होता है जब उसके लिंग का विकास नहीं होता। इसी नपुंसकता के कारण उसके हाव भाव में सामान्य पुरुषों की तरह मर्दानी हाव भाव नहीं होते बल्कि उसकी अपनी एक अलग चाल चलन और अदाएं होती है जिसके कारण समाज में उसके किन्नर होने का पता चलता है क्योंकि वो स्त्री और पुरुष का मिला जुला रूप दिखता है। और ऐसा ही कुछ OX क्रोमोसोम वाले बच्चे के साथ भी होता है।
दोस्तों आप ये तो समझ गए किन्नर पैदा कैसे होते हैं और बायोलॉजिकल तौर पर वो क्या होते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर माँ के गर्भ में लड़की या फिर लड़का होने के बजाय कोई बच्चा किन्नर कैसे पैदा हो जाता है। तो दोस्तों बच्चे के किन्नर पैदा होने के पीछे कुछ दोष जिम्मेदार हैं, जिसमें सबसे पहले तो गर्भावस्था के तीसरे महीने में बीमारी की वजह से किसी तरह का बुखार आना, जिसे कम करने के लिए महिलाएं दवाइयों का हैवी डोज ले लेती हैं और उसका सीधा असर क्रोमोसोम पर पड़ता है। ऐसे में अगर कोई महिला गर्भवती है तो खास तौर पर उसे बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए और हैवी डोज वाली दवाइयां तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। कई बार गर्भावस्था के पहले 3 महीने के दौरान महिला का एक्सीडेंट होना या गर्भ को किसी तरह की चोट पहुंचना भी बच्चे के क्रोमोसोम में बदलाव ला सकता है, जिसकी वजह से बच्चा किन्नर पैदा हो सकता है। इतना ही नहीं, केमिकल का इस्तेमाल किए हुए फल सब्जियां वगैरह खाने से भी शुरुआत के 3 महीने में गर्भावस्था पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे का क्रोमोसोम्स बदलता है और वो किन्नर के रूप में जन्म ले लेता है। और सबसे अहम चीज ये है कि 10-15% किन्नर के केस में जेनेटिक डिसऑर्डर भी कारण होता है, जिससे बच्चे के लिंग निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कई सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। पहली बात तो ये कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये बात माँ पर नहीं बल्कि पिता पर निर्भर करती है, और अगर कोई बच्चा किन्नर के रूप में जन्म लेता है तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। हमारे समाज में किन्नरों को वही इज्जत और सम्मान देना चाहिए जो साधारण महिलाओं और पुरुषों को मिलता है। बाकी आपका इस विशेष जानकारी के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।